السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ناظرين وسامعين एक दर्दमंदाना अपील हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, वो ये कि आप अपना सदक़े फित्र ज़ाय ना कीजिए। हम और आप जानते हैं दीन इस्लाम गुरबत के कातिमे के लिए, गुरबा मसाकीन और फकरा की खिदमत के लिए बहुत सारे वसाइल और बहुत सारे रास्तों को अपनाने का हमें हुक्म दिया। इताम तमाम मुफलिसों मिस्कीनों और गुरबा को खाना खिलाने के ऊपर कुरान ने बेशुमार मकामात पर उभारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में भी हमें बेशुमार अहादीस शरीफा हमें मिलते हैं। बहर कैफ जकात जहां, निजाम जकात जहां गुरबत के कातिमे का एक बेहतरीन जरिया है। इससे हटकर बहुत सारे जो छोटे छोटे रास्ते हैं उन्हीं में से एक रास्ता है सदकतुल फित्र का रास्ता। जकातुल फित्र जो हमारी एक अहम तरीन इबादत इबादत सौम, इस दरमियान में होने वाली हमसे लग्जिशें और कताएं, इसके कफारे के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदकतुल फित्र अदा करने का हुक्म दिया। इसकी फजीलत, इसका मुकाम और मर्तबा या इसके मसाइल में मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता हूं। सुबहान अल्लाह, बहुत सारे किबार उलमाए इकराम के मजामीन पढ़ने सुनने और देखने को मिल रहे हैं कि सदक़े फित्र की मकदार सदक़े फित्र के अंदर अनाज देना अफजल है या रकम दी जा सकती है, कब देना चाहिए, तमाम चीजें आपने सुना और पढ़ा होगा। इससे हटकर मैं चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में करने के लिए हाजिर हुआ हूं, वो ये कि खुदारा आप अपने जकात फित्र को जाये ना कीजिए। जाये किस माने में? हम और आप थोड़ी सी काहली, थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ी सी गफलत में जकात फित्र के जो मुस्तहिकीन है, सदक़े फित्र का जो हकदार है, उस तक हमारा सदक़े फित्र नहीं पहुंच पा रहा है। सदक़े फित्र के हिकमतों में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिकमत यह भी थी कि ईद की खुशियों में हमारा भाई शरीक हो जाए, हमारा वो तबका ईद की मसरतें हासिल कर पाए जिसके पास फख्र फाका है। लिहाजा हम अपने ऐसे भाइयों को तलाश करें और ऐसे मुस्तहिकीन को तलाश करें और फिर ऐसे हकदारों तक इस हक को पहुंचाए। होता यह है कि हमारी गफलत के नतीजे में रमजान के आखिरी अयाम में हमारे घरों के पास एक बड़ी तादाद गदागरों की आती है, फुकरा की आती है, आदि भीख मांगने वालों की तादाद आती है, जिसके अंदर मुस्लिम भी होते हैं और गैर मुस्लिम भी होते हैं। बहुत सारे गैर मुस्लिम खवातीन बुरका पोश बनकर आ जाते हैं, बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई टोपी पहनकर आ जाते हैं, कुर्ता पैजामा पहनकर आ जाते हैं, और हम अपनी आसानी के लिए और गफलत की वजह से जो है सदक़े फित्र उनके हवाले कर देते हैं। कब करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, तमाम चीजें हम नजरअंदाज कर देते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश की जाती है कि आप ऐसा ना कीजिए। खुसूसियत के साथ बड़े शहरों में रमजान के आखिरी 10 दिनों में भीख मांगने वालों की एक बड़ी तादाद आ जाती है, और ये तादाद या तो खुद ब खुद कहीं और से आती है या इस तादाद को बुलाया जाता है। मेरे इन अल्फाज पर गौर कीजिए, ये तादाद खुद आती है या इन्हें बुलाया जाता है किराया या मजदूरी देकर। इसके बहुत सारे शवाइद हमें देखने को मिलते हैं कि ईद के दूसरे ही दिन ये लोग सब जो है मुकम्मल अनाज जो जमा किए रहते हैं लारियों में भरकर, डीसीएम में भरकर जो है अपने अपने पास चले जाते हैं, और बाद में सुनने को ये खबरें मिलती हैं कि ये मार्केट में ले जाकर सस्ते दामों में बेच देते हैं, या फिर इनको जिसने मजदूरी के बदले में भेजा था वो इनके इसका इस अनाज का मालिक हो जाता है। नाजरीन और सामईन, अब इस मिसाल हमारा और आपका माहौल हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान परेशान हाल है, और इस वक्त बिल्कुल मालदार तबका जो है वो इतना ज्यादा परेशान हाल नहीं है, और जो बिल्कुल गरीब तबका है वो भी उतना ज्यादा परेशान हाल नहीं है, लेकिन दरमियानी जो तबका है, मुतवस्सित जो तबका है,
जो मारे इज्जत के कहीं नहीं निकल सकता है, न उसके पास जातीय माल और दौलत है, न किसी के सामने वो हाथ फैला सकता है, न कोई देने के लिए आगे बढ़ता है उनके रहन सहन को देखकर। लिहाजा ऐसे तबका और फिर गुर्बत का शिकार वो तबका जो इज्जत नफ्स की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। लिस्साइल वल महरूम के मिज़दाक वो अफराद जो महरूम है उन तक हमें पहुंचना होगा। चाहिए तो ये था कि इज्तिमाई तौर पर निजाम ज़कात का एहतियाम भी अमल में लाया जाता और सदक़े फित्र का निजाम भी अमल में लाया जाता। बहर कैफ हमसे जो हो सकता है वो हमें करना चाहिए। बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम कमेटियां महल्लों के अंदर, इलाकों के अंदर, शहरों के अंदर लगभग 2-3 महीनों से काम कर रही है। सालहा साल से भी उनकी खिदमत है और इस बुरी मुसीबत के वक्त में भी और परेशानी के आलम में भी वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा आप अपना सदका फितर उनके हवाले कीजिए ताकि वो मुस्तहकीन को तलाश कर दे सके, या फिर आप खुद थोड़ी सी मेहनत कीजिए और अपने महल्ले के 10-12 अफराद का एक जगह जमा कीजिए सदका फितर, और महल्ले के अंदर जो मजबूर हैं, जो बेकस हैं, परेशान हाल हैं, उन तक आप अपना सदका फितर अदा कीजिए। आने वाले इन अय्याम में जहां उन्हें ईद की खुशियां भी मिल सके और अल्लाह ना करे इस बुरी बीमारी की वजह से और तवील मुद्दत तक अगर लॉकडाउन रहा, परेशानी का आलम रहा, तो कम से कम उनके पास कुछ और अय्याम की राहत मिल जा सके। लिहाजा हम बार बार आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप खुद वो काम कीजिए, या नहीं कर सकते हैं तो हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम और मुआदिनीन के लगातार तआवुन से, उनके हमारे कदम से कदम मिलाने की वजह से इस लॉकडाउन के दरमियान तकरीबन 800 से ज्यादा खानदानों तक राशन पहुंचाने की हमने कोशिश की है और 1,00,000 से जायद रकम मुख्तलिफ तबकात के मजबूर इंसानों तक और मुख्तलिफ अजला ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ रियासतों के अफराद तक नकद रकम बजरे ब्यांक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। तकरीबन 1,25,000 की रकम जो है हम बाज उसमें उलमा, हुफ्फाज, अइमा, मुअज्जिरीन और बाज बीमार अफराद भी शामिल हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस खिदमत के लिए भी हम भी तैयार हैं और दीगर जितनी मुस्लिम तंजीमें और जमातें काम कर रहे हैं आप उन तक अपना तआवुन जरूर पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर उम्मत मुस्लिमा की गुर्बत के खातिमे की कोशिश भी कर सकें और खुसूसियत के साथ इस वबाई मर्ज के मौके पर हम उम्मत के और इंसानियत के कुछ काम आ सके। बारहा आपसे यही गुजारिश है कि खुदारा अपना सदका फित्र आदि भिखारियों को, फकीरों को, आपके घर पर आने वालों को देकर आप जो है जाये मत कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।